केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के राजनाथ सिंह तमिलनाडु के दौरे पर रहे। यहाँ राजनाथ सिंह ने मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना भी की। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार का दृष्टिकोण 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। मेरा मानना है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र भारत को पीछे ले जाएगा। भारत रक्षा क्षेत्र में मजबूती आई है। हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। पिछले 5 साल में रक्षा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ये एक प्रतिगामी दस्तावेज है। देखिए, यहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार का प्रश्न है। हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है वह यदि वो कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यदि मैं डिफेंस की बात करूं तो मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा, देशवासियों को बताना भी चाहूंगा, रक्षा क्षेत्र में भारत का ने काफी मजबूती हासिल की है। सारी बातों को छोड़ दीजिए, केवल जो भी हथियार, जो वेपन्स, मिसाइल्स, टैंक, गोले, एमिनेशंस जो हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, आज भारत की यह स्थिति हो गई है कि 2014 में यहां पर केवल 600 करोड़ रुपए का भारत एक्सपोर्ट करता था डिफेंस आइटम्स का, आज वही भारत डिफेंस आइटम्स का 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट कर रहा है। और मैं देशवासियों को यह भी बताना चाहता हूँ, कुछ ही महीनों में और अधिक जानकारी लोगों को प्राप्त होगी कि हम कितना और एक्सपोर्ट आगे करने वाले हैं। देखिए, 5 वर्षों में एक भी करप्शन के आरोप जो है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगे, जबकि रक्षा से संबंधित जो सौदे होते थे पहले उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पर करप्शन के भी आरोप लगे हैं। सारी दुनिया ये देख रही है कि भारत सचमुच आर्थिक दृष्टि से ही एक विश्व की ताकत लगातार बनता जा रहा है। आतंकवाद के प्रश्न पर यदि हम देखें, कांग्रेस की जब सरकार थी तो आतंकवाद के सवाल पर मुझे लगता है पता नहीं क्यों बचते थे और केवल देश की जनता को कहते थे कि इस प्रकार के आतंकवादी वारदात हैं तो देश में छोटी मोटी होती रहती है। लेकिन आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार ने आने के बाद कितनी मजबूती के साथ, कितनी गंभीरता के साथ इस आतंकवाद के संकट को लगभग समाप्त कर देने में कामयाबी हासिल की है।